A very good morning, my dear students. Welcome back to your computer class. Today we are going to start our chapter number 8, Introduction to Scratch. Open your books at page number 83. Children, today in this chapter we will learn about the computer programming language Scratch, how we can start Scratch in our computer, and what are the main components of a Scratch window. Children, have you ever learnt about the Scratch? नहीं पता ना क्या होती है, तो let's see कि ये क्या होती है, कैसे, क्या बोलते हैं इसको. पहले जो यहाँ पे sentences दिए हैं, ये 4 sentences आपको दिए हैं, let's read them. How are you? ये कौन सी लैंग्वेज में है? English. तुसी किमें हो? पंजाबी. क्या हाल है? हिंदी. कोमे एले वू? फ्रेंच. सो दीज 4 सेंटेंसेस आर इन डिफरेंट 4 लैंग्वेजेस. अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हैं ये. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रीड ऑल दीज सेंटेंसेस. हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो ये सारे सेंटेंस रीड कर सके. अब आपको ये फ्रेंच नहीं आती थी ना, तो आप ये सेंटेंस रीड नहीं कर पाए क्या लिखा है. अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पंजाब से बाहर रहते हैं, उनको पंजाबी नहीं आती. जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनको हिंदी नहीं आती होगी, है ना. कुछ हमारे इंडियंस भी ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती. तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक को ये चारों लैंग्वेजेस समझ आए. तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं, व्हेन टू पीपल टॉक टू ईच अदर दे स्पीक इन अ लैंग्वेज दैट बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड. जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वो एक ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं जो उन दोनों को समझ आ रही हो. फॉर एग्जाम्पल, नाउ मैं अभी आपसे हिंदी में, आपको हिंदी में ये क्यों समझा रही हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए. अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलती जाऊंगी तो नहीं समझ आएगा ना. इसीलिए हिंदी में बोल रही हूँ कि आपको भी समझ आ जाए. इससे क्या होता है, दिस मेक्स कम्युनिकेशन इजी. इससे हमारी आपस की बातचीत इजी हो जाती है कि हमें एक दूसरे की लैंग्वेज समझ आ रही है. तो आपको क्या लगता है, डू यू थिंक दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इंग्लिश और हिंदी? आपको लगता है कि कंप्यूटर ये इंग्लिश और हिंदी समझ पाता है? नो, कंप्यूटर नहीं समझता है. कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हमें इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं. इंस्ट्रक्शंस कैसे, जैसे हम लोग आपको क्लास में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कीप क्वाइट, सिट प्रॉपरली, ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना हम लोग आपको. ऐसे ही ये इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को भी देनी पड़ती हैं. और कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? कमांड्स. याद रखना, ओके, कमांड्स. सो इंस्ट्रक्शंस जो किसी लैंग्वेज में कंप्यूटर को दी जाती हैं और वो समझ पाता है उन इंस्ट्रक्शंस को, उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. वो लैंग्वेज जो एक कंप्यूटर समझता है उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है जिसकी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. तो हमें उन्हीं में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है जिसका नाम है स्क्रैच. क्या है इसका नेम? स्क्रैच. कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे हम? SCRATCH, स्क्रैच. स्क्रैच को किसने बनाया? मिशेल रेंसिक ने बनाया इसको 2003 में. ओके, ओपन द पेज नंबर 84 ऑफ योर बुक. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच. स्क्रैच इज वन ऑफ द इजिएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. स्क्रैच जो है वो सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है. इट कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री. इसको हम अपने कंप्यूटर में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से. इट इज यूज्ड टू क्रिएट गेम्स, एनिमेटेड स्टोरीज, प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन. ये गेम्स क्रिएट करने के लिए, एनिमेटेड स्टोरीज क्रिएट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज की जाती है. ये इसका आइकॉन है. ऐसी पिक्चर शो होती है जब हम इसको डाउनलोड करते हैं, स्क्रैच. ओके, नाउ स्टार्टिंग स्क्रैच. कंप्यूटर में स्क्रैच डाउनलोड कर लिया हमने, उसके बाद उसको खोलना कैसे है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं.
टू स्टार्ट स्क्रैच फॉलो दी स्टेप्स, कौन से, क्लिक ऑन स्टार्ट, आपको पता है ना आपकी स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होता है, उस स्टार्ट बटन को क्लिक करोगे, वहां से चूज ऑल प्रोग्राम्स आएगा, उसमें हमें स्क्रैच 2 पे क्लिक करना है, तो स्क्रैच 2 की जो ऑफलाइन एडिटर विंडो होगी वो स्क्रीन पे खुल जाएगी। कैसी? ऐसी विंडो, ये हमारी स्क्रैच की ऑफलाइन एडिटर विंडो है। इसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, आजकल सब लोग करते हैं ना कोडिंग, है ना, वही कोड, ये देखो लिखा है ना यहाँ पे CODE कोड, तो ये सारे कोडिंग के स्टेप्स हैं, हम ये कोडिंग यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, तो उससे पहले हम लोग करते हैं इस विंडो के अलग अलग पार्ट्स, कौन से एरिया को हम क्या बोलते हैं। मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्क्रैच, सम ऑफ द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो आर मेन्यू बार, स्प्राइट, स्टेज, ब्लॉक्स, पैलेट, स्क्रिप्ट, ब्लॉक डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रिप्ट एरिया। सो ये देखिए, ये हमारी स्क्रैच विंडो है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं हम कौन कौन से हैं। जो ये हमारे पास ग्रे वाली बार है, आपकी बुक में ये पिक्चर बनी है फिगर 8.2 स्क्रैच विंडो, उसमें सारे पार्ट्स के नाम आपको शो किए गए हैं। ये जो कार्टून है दिस इज कॉल्ड स्प्राइट, इसको क्या बोलते हैं, स्प्राइट। समझ आ रहा है क्या बोलते हैं इसको, SPR, इसको हम क्या बोलते हैं, SPRITE, स्प्राइट। सो दिस इज द स्प्राइट, और जो ये ऊपर ग्रे वाली बार है ये वाली, दैट इज कॉल्ड मेन्यू बार। इसमें आपको मेन्यूज दिए गए हैं, फाइल, एडिट, टिप्स और अबाउट। उसके बाद यहां पे आपको 5 टूल्स दिए गए हैं, दिस इज कॉल्ड टूल बार। और ये जो साइड पे आपकी बुक में देखो माइनस, नेगेटिव और वो जो बटन होते हैं ना, माइनस, प्लस और सेंटर में स्क्वायर वाला, दे आर द कंट्रोल बटन्स। उसके बाद जो ये वाला ब्लैक, सॉरी व्हाइट एरिया है, ब्लैंक एरिया है, दिस इज कॉल्ड स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, स्टेज। और जो इधर वाला ग्रे एरिया है इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट एरिया। और जो हमारे पास ये वाला बॉक्स है, ये देखो ये जो है, दीज आर द ब्लॉक्स पैलेट, ये क्या है, ब्लॉक्स पैलेट। और जो ये वाला एरिया है दिस इज ब्लॉक डिस्क्रिप्शन, क्या है, ब्लॉक डिस्क्रिप्शन। और जो ये सारे हैं दिस इज द स्क्रिप्ट, ये क्या है, ये हमारी स्क्रिप्ट है जो हमने यहाँ पे लेके जानी है। ये स्प्राइट्स पेन है हमारा, मतलब साइड पे कितने स्प्राइट्स हम यूज कर सकते हैं, ये टून है ना, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और एक साथ दो दो तीन तीन भी यूज कर सकते हैं, ये हम आगे करेंगे कैसे। ओके, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट एरिया। अब आता है कि जब हमारे पास ये स्क्रिप्ट साइड पे पड़ी है ना, यहाँ ब्लॉक डिस्क्रिप्शन के नीचे पड़ी है, हमने इसको अपने स्क्रिप्ट एरिया में लेके जाना है, यहाँ पे लेके आना है जहां हमारा स्प्राइट है। उसके लिए हम इसको ड्रैग करते हैं, ये देखो यहां से ये मूव 10 स्टेप्स उठाया, उठाया कैसे, लेफ्ट क्लिक करके माउस हिला के उठा के हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपने राइट हैंड साइड पे। ऐसे ही दूसरा टर्न 15 डिग्रीज, ये भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, यहां से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। सो दिस इज द वे वी कैन डू दिस कोडिंग, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। सो फॉर टूडे इट इज एनफ, दिस इज योर होमवर्क, रीड पेज नंबर 83 to 85 एंड डू प्रैक्टिस ऑफ स्क्रैच। थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर।